हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चलिए फटाफट से कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज की बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट न्यूज है, व्हाट विल हैपन इफ द यूएस गवर्नमेंट शट्स डाउन। अगर यूएस की कांग्रेस न्यू फिस्कल ईयर के लिए फंड प्रोवाइड कराने में फेल रहती है तो यूएस 1 अक्टूबर को सरकार बंद करने का रिस्क उठा रहा है। फेडरल एजेंसीज के सभी गैर जरूरी काम बंद कर दिए जाएंगे और लाखों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बिना सैलरी के छुट्टी पर चले जाएंगे। हालांकि मिलिट्री ऑपरेशंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वेटरन्स मेडिकल केयर और फेडरल लॉ एनफोर्समेंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, जबकि नेशनल पार्क्स और म्यूजियम्स बंद हो सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। सो रिसेंटली 105th एपिसोड मन की बात के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की 21 इयर्स ओल्ड एक ब्लाइंड सिंगर के बारे में बात की। पीएम मोदी ने कैसेंड्रा मे स्पीटमैन के दो गाने जगत जाना पालम, भगवान विष्णु को समर्पित एक संस्कृत श्लोक और एक कन्नड़ गीत शेयर किया। पीएम मोदी ने कहा, स्पीटमैन ने हिंदी, मलयालम, तमिल, उर्दू, असमिया और बंगाली के साथ साथ कई भारतीय भाषाओं में संगीत में महारत हासिल की है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। कनाडा बेस्ड खालिस्तानी लीडर्स एंड गैंगस्टर की फाइनेंशियल एक्टिविटीज की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की जांच से पता चला है कि इंडिया में एक्सटोर्शन एंड स्मगलिंग के थ्रू जनरेटेड मनी को यॉट, मूवीज एंड कैनेडियन प्रीमियर लीग में इन्वेस्ट किया गया था। इसके अलावा जनरेटेड मनी को थाईलैंड के क्लब्स एंड बार्स में भी इन्वेस्ट किया गया था। NIA ने मार्च में चार्जशीट फाइल किया था। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। पीएम मोदी ने संडे को 11 स्टेट्स के वनडे भारत ट्रेन के 9 न्यू रूट्स को हरी झंडी दिखाई। रूट से कासरगोड से तिरुवनंतपुरम, जयपुर से उदयपुर, विजयवाड़ा से चेन्नई, तिरुनेलवेली से चेन्नई, जामनगर से अहमदाबाद, रांची से हावड़ा, सिकंदराबाद से बेंगलुरु, राउरकेला से पुरी और पटना से हावड़ा शामिल है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। सो रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में कोर्ट को बताया कि फॉर्मर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रिज भूषण सिंह ने जब भी और जहां भी मौका मिला कंप्लेन करने वाले फीमेल रेसलर्स की आदर को ठेस पहुंचाया है। उन्होंने ये भी कहा कि सिंह को पता था कि वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने अपने कार्यों को छिपाने की कोशिश की। पुलिस ने एलिजेंटली ये कहा कि ब्रिज भूषण का इरादा पहलवानों का अपमान करने का था। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। सिंगापुर में एक चाइनीज कैब ड्राइवर पर यात्रा के दौरान डेस्टिनेशन एड्रेस के बारे में गलत जानकारी देकर एक महिला और उसकी बेटी के साथ वर्बली अब्यूजिंग करने और ये मानने के आरोप में जांच चल रही है कि वो लेडी इंडियन ओरिजिन है। एक वीडियो में ड्राइवर को ये कहते हुए सुना जा सकता है, आप इंडियन है, मैं चाइनीज हूँ, आप बहुत बुरे इंसान है। इसके जवाब में लेडी ने कहा, मैं सिंगापुर यूरेशियन हूँ, इंडियन नहीं। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। इंडियन रोवर्स अर्जुन लाल जाट एंड अरविंद सिंह ने एशियन गेम्स के हिस्ट्री में रोइंग में मैंस लाइटवेट डबल स्कल्स इवेंट में इंडिया के लिए फर्स्ट सिल्वर मेडल जीतकर हिस्ट्री क्रिएट की है। ओवरऑल एशियन गेम्स की हिस्ट्री में रोइंग में ये इंडिया का 6th सिल्वर मेडल है। स्पेशली अर्जुन एंड अरविंद टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले एकमात्र भारतीय रोवर्स थे। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी SC गर्ग ने अपनी बुक वी आल्सो मेक पॉलिसी में दावा किया है कि पीएम मोदी ने उस समय के RBI गवर्नर उर्जित पटेल की कंपैरिजन स्नेक हु सिट्स ओवर अ होर्ड ऑफ मनी, यानी पैसे के ढेर पर बैठे हुए सांप से की थी। गर्ग ने आगे कहा, पीएम मोदी ने RBI को एनालाइज किया था, वो सिचुएशन के टॉप पर नहीं था और इकोनॉमिक सिचुएशन को संबोधित करने के लिए कुछ भी अच्छा करने को तैयार नहीं था। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आप MP राघव चड्ढा एंड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की शादी में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंचे हैं। वेडिंग वेन्यू पर राघव चड्ढा के पेरेंट्स को माला पहनाते और केजरीवाल का स्वागत करते हुए एक वीडियो भी ऑनलाइन सामने आया है। 24 सितंबर को कपल की शादी में शामिल होने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान भी उदयपुर आए थे। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ने टेलीग्राम पर डिफरेंट टाइप्स के टास्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्कैम्स के बारे में चेतावनी दी है। एक्स पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए इसने लोगों से उन मैसेजेस पर नजर रखने के लिए कहा जो उन्हें इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करने, यूट्यूब वीडियो जैसे मूवीज को रेट करने और पैसे के बदले होटल्स के रिव्यू करने के लिए कहते हैं। कोई भी हाई कमीशन देने वाला टास्क बेस्ड स्कैम एक इन्वेस्टमेंट स्कैम के रूप में एंड होता है। चलिए फाइनल न्यूज की बात कर लेते हैं। डाक गंबल की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि NFT कलेक्शन रखने वाले 95% लोग करंटली वर्थलेस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, हमारा अनुमान है कि 95% में 23 मिलियन से ज्यादा लोग शामिल होंगे जिनका इन्वेस्टमेंट अब वर्थलेस है। रिपोर्ट में कहा गया है, हमने जिन 73,257 NFT कलेक्शन की पहचान की उनमें से 69,795 का मार्केट कैप 0 इथर है।